अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईएसटी फाउंडेशन। तो आज हम कंप्लीट देखेंगे बूट मास्टर का जो जितने भी डीपली फीचर्स हैं वो कैसे वर्किंग करते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो क्या वर्क करते हैं। तो यहाँ पे ही हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो चुका है व्हाट्सएप का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके साथ व्हाट्सएप को अटैच कर लेंगे। ओपन व्हाट्सएप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्कैनिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम व्हाट्सएप पे अपने थ्री डॉट्स पे जाके लिंक डिवाइस पे क्लिक करके लिंक का डिवाइस को करके तो यहाँ पे इसे लॉग इन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो जैसे ही व्हाट्सएप हमारे इसके साथ अटैच हो जाएगी, यहाँ पे नॉट रेडी का ऑप्शन आ रहा है, तो फिर हमें यहाँ पे रेडी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे व्हाट्सएप यहाँ पे अटैच हो चुकी है और जो हमारी चैट होगी वो खुद ब खुद ही यहाँ पे लॉड करके हो जाएगी। तो ये नॉट रेडी का पहले ऑप्शन हमें प्रोमिनेंट हो रहा था, तो अब यहाँ पे रेडी का ऑप्शन शो हो रहा है। नेक्स्ट व्हाट्सएप हमारी इसके साथ अटैच हो चुकी है। यहाँ पे हम न्यू कंपेन भी रन कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंपेन रन की हुई है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे अगेन दूसरी कंपेन यहाँ पे मैं रन करूँ, तो उसके लिए न्यू कंपेन पे लिखूंगी तो दोबारा से मेरा बूट मास्टर रिस्टार्ट हो जाएगा और मैं कंपेन रन कर सकती हूँ। फिर यहाँ पे सेंड मैसेज का जो कंपेन का ऑप्शन है, ऑटो रिप्लाई का, ऑटो रिप्लाई रूल्स हैं कि अगर आपने कोई भी रूल्स उसमें इनपुट किए हैं तो उनको हम बार बार वैसे पेस्ट करके तो यूज़ करते हुए यहाँ पे वर्किंग कर लेंगे। सेटिंग्स का ऑप्शन है कि हम इसका प्रॉपर किस तरह से टाइमर सेट करते हैं। यहाँ पे रिसीव मैसेजेस का ऑप्शन है कि अगर कोई व्हाट्सअप का हमारे मोबाइल में हम वर्किंग नहीं कर रहे कि मोबाइल में हमारी व्हाट्सअप ऑफ है तो कोई हमें मैसेज सेंड करता है तो वो हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। यहाँ से डायरेक्ट भी हम उनका मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप रैपर का ऑप्शन है कि अगर कोई ग्रुप, एक तो हमारे पास यहाँ पे भी है कि हम ग्रुप्स में उनके मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि हम ग्रुप्स को ही ओपन करते हुए उनके जितने भी नंबर्स हैं वो ऑल ओवर, हमें नहीं पता कौन कितने नंबर्स हैं, कोई भी ग्रुप रैंडमली हम ज्वाइन करेंगे और उसको ज्वाइन करने के बाद हम उसके नंबर्स एक्सट्रैक्ट करके उस पर भी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर फिल्टर्स का ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे थ्री लाइंस पे अगर जाएं तो किस तरह से हम यहाँ पे मिड में नंबर्स इंपोर्ट कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप के लिए जिन पे हमने कंपेन रन करनी है, मार्केटिंग करनी है, तो वो हमारे पास ऑप्शन है। हम फाइल के थ्रू भी उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, मैनुअली इंपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जो हमारे व्हाट्सएप के अपने कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे हमने पहले भी चैट की हुई है हम वो भी यहाँ पे उससे नंबर्स ग्रैब करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जो हमने व्हाट्सएप में ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं उनमें भी हमारे पास एक वे है कि इन ग्रुप्स को ओपन करके तो मैनुअली उन सब नंबर्स पे स्टेप बाय स्टेप मैसेजेस सेंड कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट कंट्री कोड है। इसमें क्या होता है कि हमने स्पेसिफिकली हम जिस कंट्री में रहते हैं उसमें जब हमने मार्केटिंग करनी है तो हमने उसका कंट्री कोड इंसर्ट करना होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप इंडिया में मार्केटिंग कर रहे हो, यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए इंडिया के किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, आप इंडिया के नंबर ही एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसी का कंट्री कोड यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जैसे इंडिया का कंट्री कोड 91 है, पाकिस्तान का 92 है, इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज के कंट्री कोड डिफरेंट है। तो हम जब नंबर एक्सट्रैक्ट करते हैं, जनरेट करते हैं, तो हम कंट्री कोड एंटर करते हुए उनको जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट है कि अगर यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट है, आप कहते हो कि मैं उसको फाइल सेव कर लूँ जो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ मिड में, बाद में मैं उस पर कंपेन रन कर लूँ, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स का। तो अगर आपके पास कोई भी लिस्ट है, आप कहते हो कि मैंने इन नंबर्स पे पहले ही ऑलरेडी कंपेन रन की हुई है, मार्केटिंग की हुई है, मैं और कोई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लियर लिस्ट पे आप करके क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैसेजेस टाइप कर सकते हैं, आप एक टाइम पे मल्टी मैसेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जितने आपको चाहिए, इवन आप इनको रिमूव भी यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे कोई भी फोटोज ऐड कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज ऐड कर सकते हैं, वीडियोस कर सकते हैं, पीडीएफ की फाइल, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी आप यहाँ पे अटैच करके उसे सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इस वाले बोर्ड में क्या होता है, ऑटो रिप्लाई के जो हमने रूल्स यहाँ पे सेट किए होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, और यहाँ पे रिसीव मैसेजेस होते हैं जो यहाँ पे किस नंबर से हमें, अब इस टाइम मेरे व्हाट्सएप में जितने भी मैसेजेस हैं जो यहाँ पे अटैच हुई है ऑलरेडी, उसमें मैंने कुछ मैसेजेस देखे हुए हैं वो मे भी काफ़ी टाइम पहले के हैं या बाद के हैं, तो किस नंबर पे किस टाइम मुझे मैसेज आया वो डेट मेंशन हो गया। आज के दिन जितने भी मुझे मैसेजेस आए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे सीन नहीं किए हुए, तो वो यहाँ पे मैसेजेस आ गए, जब तक मैं इनको देखूंगी नहीं वो मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखें ये हमारा कंप्लीट डैशबोर्ड है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हम यहाँ पे कोई भी नंबर्स इंपोर्ट कर सकते हैं, तो मैं इसकी फीचर्स आपको नंबर्स इंपोर्ट करके बता देती हूँ। इंपोर्ट फ्रॉम फाइल में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो फाइल का ऑप्शन मिल जाता है कि किस तरह से हम यहाँ पे नंबर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे फाइल को अटैच करने के लिए ब्राउज पे जाएंगे, तो मेरे पीसी में अगर कोई भी फाइल यहाँ पे अवेलेबल होगी तो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर लूँगी। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करके तो फाइल
फाइल की जो टाइप है उसको चेंज करना है। यहाँ पे टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट करूँगी, जैसे सिलेक्ट करूँगी तो नीचे मुझे नंबर्स मिल जाएंगे। अगर एक्सेल की फाइल होगी तो वो यहाँ पे ग्रैब नहीं करेगा, उसको यहाँ पे पेस्ट नहीं करेगा। इवन यहाँ पे जो मेरा B22 के नेम से फाइल है ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, बट क्या कि एक्सेल में है और ये जो फाइल्स हैं ये टेक्स्ट फाइल में नोट पैड की सूरत में है। तो जो 1000 नंबर है इसको मैं ओपन करके यहाँ पे जैसे ही करूँगी तो वो पेस्ट हो जाएंगे। इस वे में क्या होता है कि हम एक टाइम पे अनलिमिटेड नंबर जो हमने फाइल पहले से क्रिएट की हुई है उसको ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फाइल नेम है, अगर मैं इसको बैक पे देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं जस्ट इसको ही पेस्ट करूँगी तो वो नेम की जगह पे इंसर्ट होंगे, अदरवाइज यहाँ पे नंबर वाली कॉलम भी नहीं होंगे। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे नेम जो है फील्ड उसके साथ यहाँ पे नंबर फील्ड पे कॉलम के इसको ही अगेन सेलेक्ट कर लूँगी। वो क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं जस्ट नेम को इनपुट करूँगी तो वो नहीं होंगे, नंबर्स को इनपुट करना है। तो मैं नंबर वाले कॉलम पे जाके उसको भी इसी कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगी और इंपोर्ट पे क्लिक कर दूँगी। जैसे ही मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए वो जो भी फाइल थी उसका ऑल ओवर नेम वाली जगह पे भी वही नंबर है और नंबर वाले कॉलम में भी वही नंबर्स मुझे यहाँ पे इनपुट हुए। ये तो थे मेरे रैंडमली नंबर्स जो मैंने यहाँ पे इनपुट किए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है मैनुअल इंपोर्ट का, क्लियर लिस्ट में जाऊंगी, इसे यस कर दूंगी और यहाँ पे 3 लाइंस पे जाके अगेन मैनुअल इंपोर्ट पे कोई भी मैंने नंबर्स, अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आपने पहले से ही लिस्ट क्रिएट की हुई है बट वो एक्सेल में है तो आप उसे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और जस्ट सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे पहले मैं फाइल ओपन कर लेती हूँ, उसमें क्या करते हैं कि मेरे नंबर्स यहाँ पे इनपुट हुए हैं, इन सब नंबर्स में से कोई भी मैं नंबर यहाँ पे कॉपी करूंगी। यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी करके इनको कॉपी कर दिया और यहाँ पे फिर मैं 3 लाइंस पे जाके मैनुअल इंपोर्ट पे जाऊंगी और यहाँ पे डायरेक्ट इसे पेस्ट कर दूंगी। इस वे में भी हम क्या कर सकते हैं कि पेस्ट करके भी, कॉपी करने के बाद पेस्ट करके भी हम नंबर्स इंपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे यहाँ पे मैनुअल टाइप कर लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया और मैं कहती हूँ कोई नंबर मैंने और यहाँ पे मैनुअल इंपोर्ट ऐड करना है कि वो नंबर भी मैं चाहती हूँ इसमें लाजिम ऐड हो, तो यहाँ पे मैं वो भी कंट्री कोड के साथ ही यहाँ पे एंटर कर दूंगी। इसको मैंने जैसे ही ऐड किया, टाइप करके अगर मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो वो मेरी नेक्स्ट रो सिलेक्ट हो जाती है। अगर मैं उसमें मजीद नंबर्स ऐड करके दोबारा से एंटर प्रेस करूँगी तो वो नेक्स्ट रो सिलेक्ट हो जाती है। कि मे भी अगर आपको स्पेसिफिक नंबर्स यहाँ पे एंटर करते हैं तो वो भी इजीली आप इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे वो नंबर लास्ट पे मेरा पेस्ट हो चुका होगा जो मैंने यहाँ पे अपना नंबर ऐड किया होगा। तो नेक्स्ट वे मेरे पास क्या है कि इस वे में भी हम नंबर्स इंपोर्ट कर सकते हैं कि हमारे पास 4 से 5 ऑप्शंस हैं। इसको मैं अगेन क्लियर लिस्ट करूंगी, क्यों, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे टोटल वे बता रही हूँ किस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंपोर्ट फ्रॉम व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स। इसमें क्या है कि हमारे व्हाट्सएप में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं जिन पे हमने जस्ट एक सिंपल किसी को जी का मैसेज सेंड किया या फिर कोई भी क्वेश्चन मार्क वगैरह एक दफा किसी से हल्की सी एक मैसेज के थ्रू ही चैट हुआ, वो नंबर्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होंगे कि वो व्हाट्सएप के नंबर्स हैं और वो व्हाट्सएप में अटैच है। तो जैसे ही मैं इंपोर्ट करूँगी तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे जो सेव हैं, जो सेव नहीं भी हैं वो सारे के सारे मेरे पास हैं, जिनके साथ मैंने एक दफ़ा चैट की हुई है, दो दफ़ा की हुई है या फिर जस्ट किसी से कोई भी बात की है, वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे पास अवेलेबल है। जैसे मैं इसे स्क्रॉल करती हूँ तो यहाँ पे देखिए नेम वाले कॉलम में यहाँ पे नंबर्स अवेलेबल हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट्स सेव नहीं है और जो कॉन्टैक्ट्स सेव हैं उनके साथ नेम यहाँ पे मेंशन हुआ है, जैसे ये नेम मेंशन हुआ है, ये सारे के सारे इस वे में हमारे पास नंबर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये तो मेरे थे और जितने भी व्हाट्सएप के मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आप चाहते हो कि इन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी कोई आपकी कंपेन रन हो उस पर आप वर्किंग करें तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं कोई भी स्पेसिफिक जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ऐड करते हुए। यहाँ पे अगेन मैं क्लियर लिस्ट करती हूँ, फिर मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इंपोर्ट फ्रॉम व्हाट्सएप। आप इसमें क्या करेंगे, जितने भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उनमें जितने भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कहते हैं कि जो ग्रुप हैं वो हम उन्हीं ग्रुप्स पे वर्किंग करना चाहते हैं, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उन सब मेंबर्स को ही यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे क्या करूँ कि उनको मैसेज सेंड करूँ, मैं अपने ऑल ओवर व्हाट्सएप के ग्रुप्स को ना करूँ तो हम यहाँ पे उनको भी देखते हुए मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसमें में क्या होता है कि उन ग्रुप्स के जितने भी मेंबर्स हैं सबको मैनुअली मैसेज सेंड होकर तो उनको हम मैसेज भेज सकते हैं कि वो ही ग्रुप्स, क्योंकि हम जब मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो हम गूगल
गूगल मैप से गूगल के थ्रू जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स ग्रैप करते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद उनके नंबर्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके पेस्ट कर लेते हैं, फिर हम उन ग्रुप्स को लेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हम स्पेसिफिक कोई भी ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो जैसे ही वो ज्वाइन होते हैं तो उनके नंबर हमारे पास आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारा प्रोडक्ट फैशन से रिलेटेड है तो मैं क्या करूँगी, मैं गूगल से फैशन से रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करूँगी और उनको अगेन यहाँ पे ग्रैप करूँगी। पहले इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये जॉर्डन सॉफ्टवेयर, इसके थ्रू मैं उनको ग्रैप करूँगी। ग्रैप करने के बाद उनको ज्वाइन करूँगी, फिर यहाँ पे ग्रुप ग्रैपर्स का जो मेरे पास ऑप्शन है इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मैं पहले फैच ग्रुप करूंगी। तो जिन ग्रुप्स को मैंने ज्वाइन किया हुआ है, जो रैंडमली मैंने ज्वाइन किया हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल इस ग्रुप के मुझे चाहिए या फिर इस ग्रुप के किसी भी ग्रुप के आप मुझे चाहिए नंबर्स कि मैं इन्हीं ग्रुप पे मार्केटिंग करना चाहूँ, तो यहाँ पे अगर देखें ये डॉक्यूमेंट्स वाला ग्रुप है तो इसमें जितने भी ग्रुप्स हैं यहाँ पे गेट कॉन्टैक्ट फ्रॉम सेलेक्टेड, तो वो तीन ग्रुप्स हैं। तो इसमें क्या है कि ये तीन नंबर्स थे, इस ग्रुप के जस्ट तीन मेंबर हैं, उनके नंबर्स इसने प्रोवाइड कर दिए। अगर ऑल ओवर मैं सिलेक्ट आर करती हूँ, सिलेक्ट आर करने के बाद यहाँ पे गेट कॉन्टैक्ट फ्रॉम फैच, तो जितने भी इनके हैं कॉन्टैक्ट वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे पेस्ट करके दे देगा। यहाँ पे ऑल ओवर इन आठ ग्रुप्स में जितने भी नंबर्स थे उसने मुझे यहाँ पे पेस्ट करके दे दिए। बेसिकली वो कुछ मेरे पर्सनल भी नंबर्स थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिए। तो वो आप सारे के सारे नंबर यहाँ पे ग्रैब करके फिर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिर ऐड टू सेंट्रल लिस्ट कर सकते हैं। उसमें क्या है कि इस वे में हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक को सिलेक्ट कर लेती हूँ, सबको डिसलेक्ट करती हूँ और इस नंबर को मैंने किया गेट कॉन्टैक्ट फ्रॉम, तो ये मेरे पास नंबर है। जैसे ही वो कंप्लीट कर देता है फिर मैं क्या करूँगी, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगी तो इस फाइल को मैं सेव कर सकती हूँ ताकि मैं बाद में उसे यूज़ कर सकूँ। और अगर क्या होगा कि ये फाइल आप कहते हो कि ये ग्रुप्स की फाइल मैं पहले रेडी कर लेती हूँ, बाद में कंपेन रन कर लूँगी, इतना वर्क मैं पहले कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो वो आप कर लेंगे इस फाइल को यहाँ पे सेव। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाऊँगी, इस फाइल को ग्रुप के नेम से सेव कर लूंगी कि इस ग्रुप के मेरे पास ये अलहदा से नंबर है। जैसे ही मैं इसे सेव कर लूंगी तो क्या होगा, बैक पे मेरे डैशबोर्ड पे ये शो हो जाएगा। इसे मैं मिनिमाइज करके आपको दिखा देती हूं। इसमें क्या है कि ये वर्क कंप्लीट हो गया। अगर आप कहते हो ऐड टू सेंडर लिस्ट, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये बैक पे हमें शो हो जाएंगे ये चारों के चारों नंबर। तो इस वे में हम जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं उन सबको हम क्या करके ग्रैब करके अपने मोबाइल फोन से मैनुअली उनको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे मिनिमाइज करती हूँ तो जो मैंने यहाँ पे फाइल ऐड की हुई थी वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी, जो मैंने यहाँ पे सेव की हुई थी। ओके, तो इस वे में क्या है कि आप किसी भी फाइल को सेव करके उसके नंबर्स पहले से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं क्या आपको बता दूंगी कि किस तरह से आप डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करके तो उनको पेस्ट करके उसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पहले से एक फाइल में वो सबके लिंक ओपन किए हुए हैं, ये फाइल मेरे पास अवेलेबल है कि जिनके लिंक है। जैसे ही किसी एक लिंक को मैं कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करती हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल इसे मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे गूगल पे जाऊंगी, गूगल पे जाके तो इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो वो उस ग्रुप के जो चैट है उसके चैट बॉक्स में मैं यहाँ पे शो हो जाएगा कि अगर ज्वाइन चैट में करूंगी तो क्या कि मुझे वो नेक्स्ट पूछेगा कि आपका व्हाट्सएप ऐप में आप ऐड होना चाहते हैं या डाउनलोड में, जो आपने व्हाट्सएप डाउनलोड की हुई है। तो इस वे में हम क्या करते हैं, ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे अगर यूज व्हाट्सएप ऐप मैंने ओपन किया तो मैं इस ग्रुप में डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाऊंगी। यहाँ पे मेरी ऑलरेडी व्हाट्सएप ओपन थी, इसे मैं क्रॉस कर देती हूँ ताकि वो यहाँ पे ओपन है। यहाँ तक डिजाइनिंग का सारा कुछ आपको समझ आ गया तो हम आगे मूव करेंगे। यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ज्वाइन ग्रुप जैसे ही किया तो उस ग्रुप में मैं ज्वाइन हो जाऊंगी और उसकी मेंबर बन जाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए मैं इस ग्रुप में ज्वाइन हो चुकी हूँ। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे मेंबर्स हैं वो मेरे पास शो हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें 10 भी हैं तो वो मैं उसमें भी ऐड हो चुकी हूँ। यहाँ पे मैं इसे मिनिमाइज करती हूँ। अगेन जो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप ग्रैबर का है इस पर मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद इसे मैं क्लियर लिस्ट कर देती हूँ, फेच ग्रुप्स करती हूँ। तो जो मेरा ये वाला फर्स्ट ग्रुप था जो मैंने अभी अभी इसे ज्वाइन किया है, इसे सेलेक्ट करके गेट कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक किया तो वो जितने भी उसमें नंबर्स थे आप ओके में जैसे ही करती हूँ मुझे ये भी शो करवा देगा कि ये 10 कॉन्टैक्ट्स हैं, एक मैं हूँ बाकी सारे दूसरे हैं। तो इसको भी मैं एक्सपोर्ट करके ऐड टू सेंट्रल लिस्ट करके तो इस वे में भी हम अनलिमिटेड ग्रुप्स जो पहले से ही एक्टिव है उन पे भी कंपेन रन कर सकते हैं ताकि जब हम कोई भी वर्किंग करें तो उसमें क्या है कि हमारे उसी उसी जो हमारा उसके
कोई भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड होंगे वो ग्रुप्स, तो इजी वे में क्या होगा, हमें उसके जितने भी चांसेस हैं ऑर्डर के वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप्स ग्रैबर का ये फीचर है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर फिल्टर है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम फाइल के थ्रू भी यहाँ पे नंबर पेस कर सकते हैं कि हमें एग्जैक्ट ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे नंबर्स हैं वो व्हाट्सएप के हैं भी के नहीं, क्योंकि जैसे हमने ग्रुप्स ग्रैबर के थ्रू चेक किया था वो जितने भी नंबर थे वो व्हाट्सएप के ही हमें मिलेंगे क्योंकि वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स थे। तो यहाँ पे अगर आपके पास रैंडमली किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू या खुद नंबर जनरेट करते हैं तो वो कैसे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो उसमें अगर हमारे पास कोई फाइल है, यहाँ पे फाइल पे जाके मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मैंने अगेन वही प्रोसेस करना है, जब हमने कोई भी फाइल सिलेक्ट करनी है तो टेक्स्ट फाइल में सिलेक्ट करनी है, तो हमारी फाइल की जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जनरेट जो मेरे नंबर है इसे मैं जैसे ही ओपन करूंगी फिर अगेन यहाँ पे नंबर फील्ड पे जाके इस कॉलम को कॉपी करके तो फिर मैं क्या करूंगी इंपोर्ट कर दूंगी। जैसे ही मैंने इसे इंपोर्ट किया तो ये नेम और नंबर वाली फाइल पे सेम वो मेरे नंबर पेस्ट हो गए। यहाँ पे हमने डिले रखने के पहले और दूसरे नंबर के मिड में जो 1000 नंबर है उसमें से कितने व्हाट्सएप के ग्रुप है तो हम यहाँ पे डिले लगा देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 5000-6000 नंबर करती हूँ एक्सट्रैक्ट तो यहाँ पे मैं 1 या 2 सेकंड का डिले कर देती हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके बहुत कम नंबर आप यहाँ पे इसे 0 कर दें कोई इशू नहीं है यहाँ पे, बट समटाइम ऐसा होता है कि हमारी व्हाट्सअप सेफ होती है जब हम यहाँ पे 1 या 2 सेकंड का यहाँ पे डिले रख लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको बताने के लिए इसे 0 पे रख के स्टार्ट चेकिंग करती हूँ। जैसे ही मैं स्टार्ट चेकिंग करूंगी तो जिन जिन के नंबर्स उसने आप देखें यहाँ पे 50 उसने जस्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अगर मैं इसको 1 सेकंड का डिले रखते हुए यहाँ पे वर्किंग करती तो जो नंबर्स यहाँ पे व्हाट्सएप के नहीं थे वो मुझे थोड़ा टाइम लेके उसने फोन करके बताने थे। अब देखिए ये वर्किंग कर रहे हैं, इसने कितने नंबर्स 1000 में से 38 मुझे फोन करके बता दिया और 221 ये सारे के सारे नंबर्स उसने फोन कर लिए कि एक्सट्रैक्ट करके वो चेक कर रहा है कि ये नंबर्स व्हाट्सएप के हैं कि नहीं। इस वे में क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट नंबर्स मिल जाते हैं। आप कोई भी रैंडमली नंबर जनरेट करें, जनरेट करने के बाद अब एक ही दफा जो नंबर जनरेट करने के बाद आप इसको जब फिल्टर करते हैं तो वो एक फाइल आपके पास रेडी हो जाती है कि ये एग्जैक्ट व्हाट्सएप के ग्रुप्स है। जब वो फाइल आपके पास रेडी होती है तो जब उस पर मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है आपको कोई इशू नहीं होता अभी कि मैं नंबर फिल्टर करूँ अब उसको यहाँ पे एंटर करूँ। तो इस वे में आप नंबर जनरेट करें, उसको चेक करें, फाइल रेडी कर लें, बाद में जब आप फ्री हों और अपनी मार्केटिंग करें तो वो फाइल जस्ट आप ब्राउज़ पे जाके यहाँ पे इंसर्ट करके उसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसने 138 नंबर एक्सट्रैक्ट करके मुझे बता दिए हुए हैं और 700 उसने लोकेट कर दिए हुए हैं। ये इशू नहीं है कि हम रैंडम जनरेटर के थ्रू इतने कम हमें जनरेट होते हैं नंबर, हमारे पास और भी सॉफ्टवेयर है जिनके थ्रू हम नंबर जनरेट करके एग्जैक्ट व्हाट्सएप के नंबर भी लोकेट करते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो यूज करते हैं। तो इस वे में हमें 100% श्योरिटी होती है कि जो व्हाट्सएप के नंबर है वो हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो जैसे ही ये सारे का सारा प्रोसेस कम्प्लीट होता है हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसको मैंने स्टॉप करना हो तो यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करूंगी तो ये जो सारी की सारी वर्किंग है वो स्टॉप हो जाएगी और जितने भी उसने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे दिए हुए हैं वो बाकी के यहीं पे छोड़ देगा। फिर मैंने इसे स्टॉप कर दिया, 170 उसने नंबर्स मुझे ग्रैब करके दे दिए हैं 788 में से। तो अब मुझे ये क्या करना है, ये फाइल मैं कहती हूँ कि मैं इसको बैक पे इंपोर्ट कर दूँ तो जस्ट इंपोर्ट टू पे क्लिक करूँगी तो ये बैक पे इंपोर्ट हो जाएंगे, जो इसके मेरे पास यहाँ पे जो बूट मास्टर का डैशबोर्ड था नंबर्स की जगह पे यहाँ पे हो गया। और अगर मैं कहती हूँ कि ये नंबर्स मुझे एक्सपोर्ट करके इस फाइल को सेव करना है तो मैं क्या करूँगी, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगी और डेस्कटॉप पे जाके इस फाइल को सेव कर लूँगी। अब व्हाट्सएप नंबर्स के नेम से यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने नंबर्स 1 के नेम से इस फाइल को सेव कर लूंगी। जैसे ही मैं इसे सेव कर लूंगी इसे मैं क्रॉस करती हूँ तो इसे मैं मिनिमाइज करती हूँ तो यहाँ पे देखें नंबर 1 के नेम से नोटपैड में मेरी फाइल क्लियर हो गई कि ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे इसने एक्सट्रैक्ट करके 170 नंबर्स मुझे प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इस वे में भी आप फाइल्स उनको सेव करके बाद में वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये तो हमारा हो गया कि हम नंबर फिल्टर के थ्रू किस तरह से नंबर चेक कर सकते हैं कि ये फिल्टर है कि नहीं। अगर आपको मैनुअल चाहते हो कोई भी नंबर आप टाइप करें कि स्टेप बाय स्टेप आपके पास वो नंबर्स की लिस्ट है वैसे ही रिटर्न टाइप फॉर्म में है तो आप क्या करें वो टाइप करना चाहते हो तो यहाँ पे मैनुअल इंपोर्ट पे जाके कोई भी नंबर यहाँ पे ऐड कर लें। अब जैसे मैं 326-7974-62 ये मेरा नंबर है और मैं कहती हूँ मैं इसे चेक करूँ तो आपने क्या करना है, उसके साथ कंट्री कोड इंसर्ट नहीं
हुआ कोई बात नहीं, आप यहाँ पे मैनुअल आपने इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद इंपोर्ट कर देते हैं। जैसे ही इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट कंट्री कोड का हमारे पास ऑप्शन है, तो हमने उसमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपके नंबर के साथ कंट्री कोड इंसर्ट नहीं है कोई बात नहीं, आपने इंसर्ट कंट्री कोड पे क्लिक करना है, कंट्री कोड यहाँ पे टाइप करना है, तो ऑल ओवर जितने भी नंबर्स की आपकी लिस्ट होगी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, तो 92 उन सब के सब नंबर्स के साथ ऐड हो जाएगा। अब मैंने इसको स्टार्ट चेकिंग करना है, जैसे मैं क्लिक करूंगी तो ये मेरा वो नंबर व्हाट्सएप पे है अभी यूज हो रही है, तो ये मुझे एक्सटेंड करके बता देगा ये रेगुलर व्हाट्सएप पे है। अगर बिजनेस व्हाट्सएप होगी तो भी वो उसकी टाइप मुझे बता देगा। तो इस वे में हम नंबर्स को फिल्टर करते हैं, व्हाट्सएप के नंबर अलग करते हैं। ये तो था कि आपके पास जो नंबर है वो आप रैंडमली कोई भी पिक करते हैं या फाइल के थ्रू यहाँ पे ड्रैग करते हुए उनको चेक करते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप नंबर कोई क्रिएट जनरेट करें, तो आपके पास यहाँ पे नंबर्स फिल्टर का ही ऑप्शन है, जिसमें क्या है इजी वे ये है कि यहाँ पे नंबर्स जनरेटर पे आपने क्लिक करना है, कोई भी यहाँ पे नंबर एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमने उसके अकाउंट के कितने हजार या कितने सौ नंबर मुझे चाहिए वो यहाँ पे एंटर कर दूंगी, इंक्रीमेंट लगा दूंगी कि कितने इंक्रीमेंट के बाद, अगर लास्ट पे मेरा वर्ड जो 624 था तो 625 हो जाएगा, 626 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा नंबर। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 923 ये मेरे पास यहाँ पे मैंने नंबर एंटर कर दिया। अब मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मैं 1000 नंबर जनरेट करूँ, तो जैसे ही मैंने 1000 का यहाँ पे इंक्रीमेंट लगाया, अकाउंट यहाँ पे 1000 रख दिया, इंक्रीमेंट अगर आप कहते हो कि एक का यहाँ पे लास्ट पे 24 या 25 26 हो जाए कोई इशू नहीं है, इसमें भी अभी हो जाएगा। आप जितना इसमें डिफरेंस का इंक्रीमेंट लगाना चाहें आप इजीली लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 ही रहने देती हूँ, अगर आप 2 कहते हो वो भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, जितना मर्जी आप एंटर कर दें। इसको मैंने जैसे ही ओके किया तो उसने मुझे यहाँ पे 1000 नंबर जनरेट करके दे दिया। अब लास्ट पे देखें 678 679, इस वे में उसने एक के इंक्रीमेंट के साथ यहाँ पे मुझे 1000 नंबर जनरेट करके प्रोवाइड कर दिया होगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट चेकिंग करना है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मुझे ग्रैब करके बता देगा कि कितने नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, कितने व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं है। तो इस वे में भी हमारे पास छोटी होती है, जो हम नंबर जनरेट करते हैं तो भी हमें व्हाट्सएप के इजिली मिल जाते हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती कि नंबर हम कहाँ से लाए, उनको जनरेट कैसे करें, उनको फिल्टर कैसे करें। तो अभी यहाँ पे देखें 200 उसने नंबर चेक किए हैं, बट 65 वो मुझे इतने उसने ऑलरेडी ग्रैब करके बता दिए कि ये नंबर व्हाट्सएप के हैं। अब देखिए मैंने रैंडमली जो फाइल थी उसमें से मैंने 800 नंबर्स को यहाँ पे पेस्ट करके 1000 वो भी नंबर था, तो उसमें से 800 मैंने चेक किए तो उसमें से 170 नंबर मुझे व्हाट्सएप के मिले, बट यहाँ पे देखिए ये 500 भी नंबर्स हो रहे हैं और मेरा 100 नंबर कंप्लीट हो चुका है। तो इस वे में भी आप इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे, स्टॉप करने के बाद आप अगर कहते हो कि बैक पे मैं इसे इम्पोर्ट करूँ तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये क्लियर लिस्ट कर देंगे और जो ये हमारे नंबर है इनको इनपुट कर देंगे। अगर आपने यहाँ पे पहले से भी नंबर्स इंपोर्ट किए हुए हैं तो आप दोबारा इसी वे में नंबर्स इंपोर्ट करते हैं तो वो सारे के सारे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ऊपर नीचे नंबर्स इंपोर्ट हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इन नंबर्स के साथ यहाँ पे अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी इंपोर्ट किए हुए हैं तो वो सारे के सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ये पहले वो वाले नंबर्स हैं जो मेरे यहाँ पे ग्रैब करके यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, फिर नेक्स्ट मेरे व्हाट्सएप के सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे प्रोमिनेंट हो जाएंगे। तो इस वे में आप एक टाइम डिफरेंट वेज के थ्रू हर तरह के नंबर्स यहाँ पे पेस्ट करके उनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मेरे नंबर्स पेस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आपने कोई भी मैसेज टाइप करना है, जैसे अस्सलाम वालेकुम मैंने यहाँ पे लिख, ये मैंने यहाँ पे मैसेज टाइप कर लिया। और यहाँ पे मैं कोई भी फाइल यहाँ पे अटैच करना चाहती हूँ तो 3 लाइंस पे जाके यहाँ पे फोटोज में गई। हम बेसिकली मार्केटिंग के लिए ज्यादातर फोटोज ही ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लूंगी। हम इसे ओपन करके ये भी देख सकते हैं कि ये कौन सी फाइल यहाँ पे हमने ऑलरेडी अटैच की हुई। ये देखिए हमारा लोगो था, इस वे में हम क्या कोई भी पोस्ट यहाँ पे ऐड करके उसे यूज कर सकते हैं। मैं इसे मिनिमाइज कर देती हूँ, मैं इसे प्रोसेस कर देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे चेक कर लिया। समटाइम ये होता है कि हमारी फाइल जो अटैच की हुई है वो प्रॉपर ना हो तो हम यहाँ से इजिली देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैसेज भी टाइप कर लिया, फाइल भी अटैच कर ली। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन। हम कोई भी रिप्लाई जो है वो यहाँ पे ऐड करके, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आपका क्लाइंट है उसने रिस्पांस किया होगा, आप अवेलेबल नहीं हो उसको रिस्पांस देने के लिए, तो यहाँ पे आप ऑटो रिप्लाई के ऑप्शन में जाके
स्किल आ गई कि हम तो कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी आप उनको मैसेज टाइप करके सेंड कर देंगे, अगर हम अवेलेबल नहीं है तो ये मैसेज उनको फौरन से सेंड हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसे डायरेक्ट ओके करना है। जैसे मैं इसे ओके करूंगी तो मेरा ऑर्डर रिप्लाई यहाँ पे ऐड हो चुका है। जैसे मैं इसे ओपन करती हूँ तो वो देखें कंप्लीट ऑर्डर रिप्लाई यहाँ पे ऐड है। अगर आप कहते हो कि कोई भी फाइल आपको अटैच करनी है यहाँ पे, कि अगर वो इस रिप्लाई के साथ उसकी जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने पहले अपने क्लाइंट को सेंड नहीं की, उस पर मार्केटिंग नहीं की, तो वो भी यहाँ से हम ऐड के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे फोटोज पे जाएंगे। तो कोई भी फोटोज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है तो उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे नोटपैड की मैं इसे ओपन कर लेती हूँ, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। इवन इसको भी हम ओपन करके देख सकते हैं तो यहाँ पे हमने क्या अटैच किया हुआ है। इसे मैं क्रॉस कर देती हूँ, ये मेरा नोटपैड का वो फॉर्मूला किस तरह से हम यूज करते हैं वो है। तो ये मेरी पिक्चर यहाँ पे ऐड हो चुकी है, इसे मैं ओके करूंगी तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर रिप्लाई ऐड हो चुका है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो सेटिंग्स भी मैंने आपको बताई हुई है कि जब हम इसका सेटिंग का कनेक्शन है वो कैसे, कि हम यहाँ पे वेरी स्लो, स्लो, नॉर्मल, फास्ट, वेरी फास्ट, हम इन वे में भी इन सबको अपना जो कनेक्शन स्पीड है उसको फास्ट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसी को भी जो मैसेजेस सेंड कर रहे हैं वो बहुत जल्दी भी सेंड हो जाए, नॉर्मल स्पीड पे भी हो जाए या बहुत स्लो स्पीड पे। बट जब हम यहाँ पे नॉर्मल स्लो या वेरी स्लो का मोड ट्राई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी व्हाट्सएप सेफ मोड पे होती है, क्योंकि वो सेफली सारे वर्किंग करती है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप वेरी फास्ट करके भी उसकी स्पीड को, कनेक्शन स्पीड को रखना चाहते हैं कर लें, अदरवाइज हम यहाँ पे ज्यादातर स्लो को ही यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, नॉर्मल स्लो और वेरी स्लो को हमारे व्हाट्सअप सेव होती है। जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं तो व्हाट्सअप ये चीज लोकेट नहीं करती कि यहाँ पे कोई स्कैम हो रहा है या फिर डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्किंग हो रही है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास सेंडिंग स्पीड है। यहाँ पे हम एक मैसेज और दूसरे मैसेज के बीच में सेंडिंग स्पीड जो रखेंगे वो क्या रखेंगे कि आप यहाँ पे 25 भी रख सकते हैं, 25 to 25 के। अगर आपका एक मैसेज है उसके मैसेज के बाद दूसरे मैसेज में इतने सेकंड का आपने डिले रखना है। वो क्यों रखना है हमने कि जब हम मैनुअल खुद भी टाइप कर रहे होते हैं किसी को मैसेज, जैसे एक अस्सलाम वालेकुम भी टाइप कर रहे होते हैं, तो हमें 10 to 15 सेकंड उसको टाइप करते हुए भी लग जाते हैं। मे बी अगर कोई बहुत ज्यादा फास्ट टाइपर है, अगर वो इतने ज्यादा भी फास्ट टाइपिंग करता है तो फिर भी उसे टाइम लगता है, डायरेक्ट तो वो नहीं सेंड कर देता। तो जब हम मैसेज सेंड कर रहे होंगे तो व्हाट्सएप को यही चीज लोकेट होगी कि ये मैनुअल इंसान खुद यहाँ पे चैट कर रहा है, अदरवाइज हमारी चैट जो है वो प्राइवेट ही होती है, उसमें हम क्या चैटिंग कर रहे हैं कोई चीज नहीं हमारी वो लीक होती। बट यहाँ पे वो ये चीज एक्सट्रैक्ट कर लेता है, इस चीज को ग्रैब कर लेता है कि यहाँ पे जस्ट मैसेज सेंड हो रहे हैं, रिसीव नहीं हो रहे। जब रिसीव हो रहे होंगे तो इश्यू नहीं होता। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसकी सेंडिंग स्पीड को यहाँ पे ऐड करके तो यूज कर लेना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो एक्टिव स्लीप मोड सेंडिंग है, ये हमारे पास डिसलेक्ट हुआ था। जब डिसलेक्ट होता है तो इस वे में होता है, जब हम इसे एक्टिव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो फिर पूछता है कि 10 कितने मैसेजेस के बाद आपने अपनी व्हाट्सएप को स्लीप मोड पे डालना है। तो जब आपके 10, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1000 नंबर बैग पे अगर देखें तो आपके 2095 नंबर बैग पे ऐड है ऑलरेडी। तो मैं आप क्या कहती हूँ, मेरे 10 नंबर या 20 नंबर के बाद, अगर मैं 10 नंबर के बाद उसको एक्टिव स्लीप मोड पे डालती हूँ तो सेफली मेरे ये 2000 नंबर तक मैसेज पहुंच जाएगा और कोई मुझे इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 10 नंबर जो है, 10 मैसेजेस है, 10 नंबर पे 10 मैसेजेस जैसे ही सेंड हो जाएंगे तो यहाँ पे वो 60 सेकंड के लिए स्लीप मोड पे जाके उसमें डिले लेगा ताकि वो वर्किंग करे और व्हाट्सएप को ये चीज लोकेट हो के पहले व्हाट्सएप स्टॉप हुई है, दोबारा से वो ऑन होके उस पर वर्किंग हो रही है, उसमें चैटिंग हो रही है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग कुछ भी रख सकती हूँ। अगर आप कहते हो कि आप अभी बिगनर्स हो और इसकी सेटिंग को आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे फर्स्ट वाले जो मैसेजेस हैं उनमें भी डिले रख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आप जितना डिले रखना चाहते हैं वो रख के तो आप इसे ओके कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर दूंगी। तो ये हमारी सेंडिंग सारी सेटिंग। अब देखिए रिसीव मैसेजेस का हमारे पास जो ऑप्शन है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो जो मेरे यहाँ पे व्हाट्सएप के जिनको मैंने जो मैसेजेस रिसीव हुए हैं उनको मैंने रिप्लाई नहीं किया, या फिर जिसको किसी को भी मैंने रिप्लाई किया हुआ वो अभी तक सीन ही हुआ, वो सारे का सारा सिस्टम यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब देखिए इस नंबर पे जैसे मैं क्लिक करूंगी तो ये इसने मुझे जिस नंबर से मुझे मैसेज आया हुआ है इसने ओके लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे उसे ओके का मैसेज सेंड कर दूंगी या नेक्स्ट जो भी मुझे उसे रिप्लाई करना है वो उसे रिप्लाई करके। अब देखें इसका मैसेज आया हुआ था ओके, तो जो इसकी बाकी चैट हुई है वो तो मेरी व्हाट्सएप में है। बट जब हम यहाँ पे किसी को भी सेंड करते हैं मैसेज तो मैसेज सेंड करने के बाद उनका जो भी रिप्लाई आता है वो हमारी कंपेन से रिलेटेड होता है, हमारी मार्केटिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, तो यहाँ हमने उससे आंसर करना होता है। आप व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर रहे, आपका मोबाइल साइट पे पड़ा होगा और आप कह रहे हैं यहाँ पे कंपेन पे हम वर्किंग कर रहे हैं या पीसी में वर्किंग कर रहे हैं, तो इस वे में भी
आपको वो कॉन्टेक्ट प्रोमिनेंट हो जाते हैं कि इनके साथ आपने वर्किंग की हुई है और ये मैसेजेस आपको सेंड हो रहे हैं साथ साथ, ताकि आप डायरेक्ट यहीं से मैसेज सेंड कर दें। जब हमारे व्हाट्सएप में सबको अलग अलग मैसेज सेंड हो रहे होते हैं, तो अगर किसी ने मुझे रिप्लाई किया भी है तो मेरी कंपेन चल रही है तो उसका नंबर नीचे चला जाता है, तो वो मेरे पास उसे ढूंढने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं हम इस वे में भी इसको कोई भी, अब जैसे मैं इसे ओके क्लिक के तो सेंड कर दूंगी तो ये मेरा इसको मैसेज सेंड हो जाएगा। ओके, तो इस वे में मैं सबको अलग अलग यहाँ पे भी मैसेजेस सेंड करके उनसे चैटिंग कर सकती हूँ। तो यहाँ पे रिसीव मैसेजेस का हमारे पास ये ऑप्शन है, इस वे में हम यहाँ पे इनको ये सेंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास न्यू कंपेन का ऑप्शन है। अगर फॉर एग्जांपल आपने ये कंपेन रन की हुई है और आप कहते हैं मैं इसको क्लोज करके न्यू रन करना चाहता हूँ, तो आप न्यू कंपेन पे क्लिक करें तो ये डैशबोर्ड रिफ्रेश होकर दोबारा से ऐड हो जाएगा। फिर आप में भी इसकी व्हाट्सएप अटैच होगी, वो अगर आप यहाँ पे बूट मास्टर को क्लोज भी कर देते हैं तो भी इसकी व्हाट्सएप अटैच रहती है, इसकी लॉग आउट नहीं होती। तो यहाँ पे हमने न्यू कंपेन पे क्लिक किया तो वो सारा डाटा हमारा एक दफ़ा रिमूव हो गया, ये सारे नंबर्स, ये जितने भी रिसीव मैसेजेस और इसके अलावा ये लोगो वगैरह जो भी हमने ऐड किया हुआ या फिर ऑटो रिप्लाई, ये सारे के सारे रिफ्रेश हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि हम इस वे में न्यू कंपेन और अगर सेंट कंपेन्स में अगर जाएं तो इसमें क्या होता है कि हमने जितनी भी कंपेन्स रन की हुई हैं, लास्ट हमारी कंपेन्स अगर लास्ट 7 डेज की मैं कंपेन्स देखूँ तो मैंने इस डेट पे इतनी कंपेन रन की हुई है, कितने कितने नंबर्स पे कंपेन रन की हुई है, वो क्या क्या, ये मेरी जो 172 नंबर्स, ये वाले नंबर्स हैं, इन पे मैंने ये कंपेन रन की हुई थी। फिर अगर लास्ट 30 डेज में देखूँ तो वो देखिए इन 30 डेज में वो मुझे बता देगा कि किस डेट पे किस टाइम पे कितने बज के कितने सेकेंड पे ये कंपेन आपने रन की हुई थी। और अगर मैं शो ऑल पे क्लिक करूँ तो अब तक जितने भी वो देखें, मैंने आपको रिसेंटली पहले भी बताया था कि दोबारा से मैंने ये इंस्टॉल किए थे सॉफ्टवेयर, तो वो पिछले 30 डेज में जितनी भी कंपेन्स रन है उसका सारा डाटा उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया हुआ है। तो इस वे में भी हम उसके चेक कर सकते हैं। हम देखें 2 डेज कंपेन पे क्लिक करूँगी तो मैंने आज कोई भी नहीं की, यस्टरडे पे करूँगी तो मैंने कल लेक्चर देते हुए ये कंपेन रन की थी और स्टूडेंट्स को मैसेज करने के लिए की थी, ये देखें मैंने, मुझे उसने सारा डाटा प्रोवाइड कर दिया हुआ है। तो इस वे में जितनी भी कंपेन्स हैं आप उनका डाटा भी ग्रैब कर सकते हैं कि किस डेट पे कब कितनी कंपेन्स इस पे रेडी हो चुकी हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको सब क्लियर हो गया कि किस तरह से हम यहाँ पे किसी को भी कंपेन रन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास बटन का ऑप्शन है कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक से ज़्यादा फाइल्स क्रिएट करके अलग अलग नंबर से यहाँ पे कंपेन रन कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मैं एक ही नंबर है मेरे पास जिस पे मैं कॉल्स जनरेट करवाना चाहता हूँ, कि अगर मुझसे कोई क्लाइंट कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो जस्ट उसी नंबर पे कॉन्टैक्ट करे, अदरवाइज किसी और नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट ना करे। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बटन ऐड कर दूंगी, क्रिएट अ बटन पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे क्या करूँगी, ऐड न्यू बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे रिप्लाई URL फ़ोन नंबर का मेरे पास ऑप्शन आता है। इसमें मैंने क्या किया, फ़ोन नंबर पे क्लिक किया। यहाँ पे फ़ोन नंबर क्लिक करने के बाद इससे क्या होता है कि ये जैसे ही मेरा बटन उसमें ऐड हो जाता है तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि जब कोई मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहा है तो वो जस्ट ऐड बटन पे क्लिक करता है, तो उस वे में वो उस पर जैसे उसने क्लिक करना है तो उसकी कॉल जनरेट हो जाएगी और वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप के दूसरे नंबर पे ऐड होकर उसमें चला जाएगा। ये नहीं करना पड़ेगा कि उसको व्हाट्सएप का नंबर पहले कॉपी करके तो पेस्ट करके उसको सेव करना पड़ेगा, फिर वो मुझसे कॉन्टैक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैंने बटन क्रिएट करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस, कि अगर कोई मजीद मुझसे लेना चाहता है जितनी भी उसकी डिटेल्स हैं तो वो क्या करे, यहाँ पे मुझसे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करे। ये मैंने मैसेज क्लिक दिया। नेक्स्ट मैं अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड कर दूँ, ये मैंने फ़ोन नंबर ऐड करके इसे ओके कर दिया। अब ये तो था कि मैंने एक बटन यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ। अगर आप कहते हो कि मैं एक ही सेम बटन हर बार टाइप ना करूँ, जस्ट उसे सेव कर लूँ, उस फाइल को सेव कर लूँ, जब मुझे चाहिए होगा तो लोड बटन फ्रॉम फाइल पे क्लिक करके तो मैं इसे कर लूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, सेव बटन अ फाइल, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगी और यहाँ पे बटन के नेम से इसे सेव कर लूँगी। वो पहले ही ऑलरेडी सेव है तो इसमें कुछ और मैं ऐड करके टेक्स्ट पे इसे सेव कर लेती हूँ। जैसे मैंने इसे सेव पे क्लिक करना है तो ये मेरा फाइल, अगर मैं इसे क्रॉस करती हूँ और बैक पे आपको डेस्कटॉप पे दिखाती हूँ तो ये बटन 1 के नेम से ही मेरी फाइल सेव हो चुकी है। जब मैं इसे ओपन करती हूँ तो यहाँ पे देखें ये मेरा बटन, उसका फ़ोन नंबर और नंबर फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस के ये टेक्स्ट पे और आईडी पे ये मुझे पेस्ट करना है, तो मैं इसे यहाँ पे क्रॉस कर देती हूँ। अगर मैं दोबारा यहाँ पे बूट मास्टर पे आऊँ और मैं कहती हूँ कि ये नंबर मैं पहले जो मैंने किया हुआ है, क्रिएट बटन पे जाके इसे डिलीट करती हूँ, डिलीट करने के बाद इसे मैं ओके कर देती हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा क्रिएट बटन पे जाती हूँ तो वो मेरा बटन यहाँ पे ऐड नहीं हुआ होगा, ये थोड़ा सा टाइम लेता है।
फिर दोबारा हम यहाँ पे अगर लॉट बटन फ्रॉम फाइल पे क्लिक करके तो वही बटन वाली फाइल को ओपन कर देती हूँ तो वो भी यहाँ पे मेरा ऐड हो जाएगा। तो इस वे में आपका सेव ऑलरेडी बटन है वो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसे ओके कर दिया तो जैसे ही मैं इसे यहाँ से क्लियर करूँगी तो वो कोई भी बटन ऐड है वो रिमूव हो चुका है। हम बाहर से ही इसे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने कोई भी और बटन ऐड किया हुआ तो उनको डिलीट कर सकते हैं। अब मैं कहती हूँ कि इसे मैं फाइल से करती हूँ तो इसे ओपन करती हूँ तो वो मेरा यहाँ पे देखिए बैक पे वही अटैच हो चुका है। तो इस वे में क्या है कि हमारा यहाँ पे एक से ज़्यादा मैसेजेस, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की ऐड करेंगे, यहाँ पे हम किसी को भी वो लोगो पेज कर देंगे, या फिर जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी पिक्चर जो हमने ऐड की हुई है वो कम्प्लीटली जो ऐड है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर इस वे में हम क्या कर सकते हैं कि हम जब भी उस पर वर्किंग करते हैं तो वो हमारा यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। मैंने क्या करना है, नेक्स्ट अपने सेंड नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे सेफ मोड और ब्लाइंड मोड मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं। वो किस लिए आते हैं कि जिन नंबर्स पे पहले मैंने व्हाट्सएप पे पहले चैटिंग की हुई है वो कॉन्टैक्ट्स मेरे व्हाट्सएप पे मोबाइल फ़ोन में पहले से ही ऑलरेडी अवेलेबल है, सेव है, उनसे कोई ना कोई चैट हुई है तो जस्ट उनको ही ये मैसेज सेंड करेगा। अदरवाइज जो जिन कॉन्टैक्ट्स पे मैंने मैसेज नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं किया, मैंने सेव भी नहीं किया हुआ, उस वे में क्या होता है कि जब तक हम व्हाट्सएप के नंबर्स को सेव नहीं करते हम व्हाट्सएप पे उनको मैसेज नहीं कर सकते, इवन वो हमारे व्हाट्सएप में ही नंबर लोकेट नहीं होता। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे ब्लाइंड मोड सेलेक्ट करना है। जैसे ही मैंने ब्लाइंड मोड सेलेक्ट करके ओके करना है तो ये जो हमारी कंपेन है ये यहाँ पे वर्किंग करना शुरू हो जाएगी और ये एक नंबर पे सेंड हो चुका है। मेरे 2095 नंबर्स में से एक पर सेंड हो चुका है और ये मेरा अपना ही खुद का नंबर है। अदरवाइज किसी और का होता तो मुझे उसका रिस्पॉन्स भी आ जाना था कौन। समटाइम ये होता है जब हम कंपेन रन कर रहे होते हैं तो जो हमारा क्लाइंट होता है अगर उसको समझ नहीं आती वो कौन पूछता है या फिर पूछता है ये प्रोडक्ट क्या है, तो हम उससे कंप्लीट चैटिंग करके उसको गाइडलाइन दे सकते हैं। तो इस वे में क्या है कि हम कम्प्लीटली जो भी वर्किंग हमने किया वो यहाँ पे हमें शो हो जाती है कि सिंगल व्हाट्सएप के थ्रू हमने यहाँ पे जो भी वर्किंग की हुई है वो हमें शो हो जाती है। जिन नंबर्स पे ये मैसेज सेंड होगा वो यहाँ पे ग्रीन हो जाएंगे और जिन नंबर्स पे सेंड नहीं होगा वो यहाँ पे उसकी कम्प्लीट लाइन रेड हो जाएगी। तो इस वे में क्या है कि हमारी कंपेन रन हो जाती है कि सिंपल एक ही जो प्रोफाइल है उससे हम यहाँ पे ऐसे कंपेन रन करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि किस तरह से जितने भी डीप फीचर्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम उन पे सेटिंग्स करते हैं और उनके थ्रू हम कोई भी डिजिटल मार्केटिंग की कंपेन रन करते हैं। पर देखिए सेंड कंपेन्स पे जाएंगे, जैसे उस पर मैंने क्लिक किया तो जितनी भी बैक पे मेरी कंपेन्स होंगी वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो उसकी भी डिटेल्स मुझे यहाँ पे ओपन होकर आ गई कि मैंने कौन सा मैसेज किसको सेंड किया था। अब यहाँ पे देखें ये मैंने कंपेन पे जैसे ही क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे उसकी डेस्टिनेशन भी आ गई, टाइप भी आ गई, डेट, स्टेटस, मैसेज की। ये मैंने जो मेरी क्लास थी उन सब नंबर्स पे मैंने ये लिंक शेयर किया था क्लास का, तो वो मैसेज भी उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया कि ये इनको सेंड हुआ और किस डेट पे, इवन उसने टाइम तक मुझे सेकंड्स में भी बता दिया। अब यहाँ पे देखें मैंने उसमें जो डिले लगाया हुआ था वो 45 सेकंड का था, तो यहाँ पे देखें 22:24 पे और 5 सेकंड पे ये पहला ये मैसेज इस नंबर पे सेंड हुआ और फिर नेक्स्ट वाला जो था वो 55 सेकंड, फिर 23 सेकंड और फिर 19 सेकंड। कि इस वे में वो डिफरेंट सेटिंग्स के साथ ये मैसेज उनको सेंड होता रहा, तो कितना टाइम लगा वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अभी 201 नंबर्स पे कंपेन रन हुई थी, डेट भी उसने बता दी हुई है, मैसेजेस की फाइल और अटैचमेंट कोई भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये जस्ट यहाँ पे मैंने लिंक पेस्ट किया हुआ था स्टूडेंट्स को तो वो सेंड हुआ था। और 17 नंबर्स पे वो फेल हुई थी कंपेन और 184 नंबर्स पे सक्सेसफुली वो पहुंच चुकी थी, वो भी उसने मुझे डिटेल बता दी हुई है। वो मैं ये मेरे जो मैंने सेंड किया हुआ है वो कैसे कि ये जब मैंने सेंड किया तो वो मुझे लोगो भी सेंड हो गया, फिर नेक्स्ट मेरा मैसेज भी सेंड हो गया और फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो देखिए कॉल्स आर नॉट सपोर्टेड ऑन व्हाट्सएप वेब, कि ये व्हाट्सएप वेब है तो मैं इसको कॉल करने के लिए मोबाइल से ही डायरेक्ट जैसे इस पर क्लिक करूँगी तो उस पर कॉल पेस्ट हो जाएगी। तो इस वे में जब हम बटन ऐड करते हैं या तो फिर वो हमारे डायरेक्ट दूसरे नंबर पे कॉल रिसीव हो जाती है। ओके ये यहाँ पे रेडी हो गया। ओके यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ आ चुका है कि किस तरह से हम नंबर अलग अलग पेस्ट करते हैं, ग्रुप्स के थ्रू हम उसमें ऐड होते हैं या फिर उसमें कोई भी मैसेजेस वगैरह करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस ये है, ये तो हमारी सिंगल प्रोफाइल है कि आप जस्ट एक व्हाट्सएप से कर रहे हैं। तो जब हमें एक से ज़्यादा प्रोफाइल्स जनरेट करनी होती है जिसपे हम वर्किंग करके तो अपने वर्क को डिवाइड करते हैं, जहाँ पे 2000 नंबर है तो मैं इसमें क्या करूँगी 701 में या 701 में इनपुट करके उस पर वर्किंग करूँगी
तो उसमें क्या होगा, 3 अलग अलग व्हाट्सएप यहाँ पे अटैच होंगी और 700 नंबर्स पे जितना भी टाइम लगेगा वो बाकी 700 जो मेरे 1400 नंबर्स हैं उतना टाइम ही उन पे भी लगेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग व्हाट्सएप एक टाइम पे वर्क कर रही है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फाइल्स पे जाऊँगी, फाइल पे जाके क्रिएट न्यू बटन पे, क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करूँगी तो यहाँ पे वो प्रोफाइल नेम पूछेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोफाइल पे आपने लोगों की मार्केटिंग की हुई है, नेक्स्ट वाली प्रोफाइल पे आप कहते हो कि मैं थंबनेल की मार्केटिंग करना चाहती हूँ, तो वो प्रोफाइल का नेम भी याद रखने के लिए अगर कोई इश्यू आता है तो आप वो भी। मैं यहाँ पे प्रोफाइल 1 पे के नेम से, P1 के नेम से ओके कर देती हूँ। जैसे ही मैं इसे ओके करती हूँ तो बैक पे मुझे डेस्कटॉप पे देखें प्रोफाइल जनरेट होके मिल चुकी है। अब इसमें मैंने क्या करना है, एक न्यू व्हाट्सएप अटैच करनी है। अब आप कहती हो कि मैंने इस वाली प्रोफाइल पे जो मार्केटिंग की हुई है लोगों की हुई है, दूसरी वाली प्रोफाइल पे मैं कहती हूँ थंबनेल पिक कर लूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं कि इसमें अलग नंबर पेस्ट करके 2000 इसमें पेस्ट कर दिए हैं, वो अलग नंबर है, 2000 बैक वाली पे पेस्ट कर दें, तो एक टाइम पे आप 3 से 4 प्रोडक्ट्स की भी मार्केटिंग कर सकते हैं अलग अलग प्रोफाइल के थ्रू, अलग अलग व्हाट्सएप के थ्रू। ओके, तो ये पीछे मेरा जैसे ही ये प्रोफाइल ओपन हो जाती है तो फिर उसमें क्या होगा कि जो मैंने सेटिंग इस प्रोफाइल की क्यों हुई है वही सेटिंग्स उस प्रोफाइल की भी हो जाएंगी। वो ऑटोमेटिकली ये फाइल मेन प्रोफाइल है तो उसकी भी वही हो जाएंगी, तो हमें उसकी सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद ब खुद ही वैसे ही वर्किंग कर लेगी। ओके, जब तक वहाँ पे मेरी दूसरी प्रोफाइल ओपन होती है मैं यहाँ पे आपको इंगेजर का बता देती हूँ कि किस तरह से हम इंगेजर लगाते हैं। इंगेजर का हमारा प्रोसेस क्या है कि आपने 2 से 3 अलग अलग प्रोफाइल्स क्रिएट की हुई हैं, उन पे अलग अलग व्हाट्सएप को अटैच की हुई है, तो जब वो इंगेजर एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप को अटैच कर देता है तो हमारी तीनों की तीनों या दोनों की दोनों व्हाट्सएप एक दूसरे के साथ अटैच होकर आपस में चैटिंग करती हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट की व्हाट्सएप पर अपनी व्हाट्सएप को अटैच कर लेती हूँ तो मोबाइल मेरा साइड पर भी पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप ऑफ है, तो यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट में वो जो हमारा इंगेजर है वो मैं एक मैसेज आपको सेंड करेगा, आपकी भी व्हाट्सएप ऑफ है, तो वो मेरे स्टूडेंट का मैसेज मुझे और मेरा उसको, तो मैसेज एक्सचेंज करते हुए वो चैट हो जाएगी। तो एक दूसरे को वो रैंडमली हमने एक चैट रेडी की हुई है, वो चैट हम आपको भी प्रोवाइड कर देंगे, जिसके पास नहीं हो मुझे मैसेज कर दे, मैं सेंड कर दूंगी। उस चैट को क्या करना है कि आपने पेस्ट करना है, जैसे ही आप उसे पेस्ट करते हो तो एक मैसेज दूसरी व्हाट्सएप को, दूसरी व्हाट्सएप से पहली व्हाट्सएप को, तो वो एक्सचेंज करते हुए वो चैट करता रहता है। व्हाट्सएप को ये चीज़ लोकेट होती है कि जो चैटिंग हो रही है वो कम्प्लीटली हो रही है, इंसान खुद कर रहा है, एक मैसेज सेंड हो रहा है, उसमें भी हम टाइमर सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए बैक वाली प्रोफाइल जो है उस पर रेडी का ऑप्शन है, यहाँ पे लॉक्ड ऑफ का ऑप्शन है, तो जैसे ही मैं इसे ओपन करती हूँ तो सेटिंग्स में अगर मैं जाती हूँ तो इसकी कनेक्शन स्पीड स्लो है और सेंडिंग सेटिंग भी वही है जो मैंने रेडी की हुई थी। तो हम पहले एक ही प्रोफाइल में सारी सेटिंग कर लें तो हमें दूसरी में सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट हमें वाटर रिप्लाई वगैरह सारा कुछ सिस्टम खुद ऐड करना पड़ता है, सेंडिंग स्पीड वगैरह सारा कुछ वही रहता है। फाइल अटैच करनी है, यहाँ पे मैसेज टाइप करना है, यहाँ पे नंबर्स ऐड करने हैं, तो फिर जो व्हाट्सएप इसके साथ अटैच होगी उसकी जो रिसीव मैसेज है वो यहाँ पे प्रोमिनेंट हो जाएंगे। तो अगेन आपने ओपन व्हाट्सएप पे क्लिक करके यहाँ पे व्हाट्सएप को अटैच करना है, एक अलग व्हाट्सएप को अटैच करना है, फिर आपने उसे यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे देखें टूल्स के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे नीचे अकाउंट इंगेजर का ऑप्शन है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप किसी भी प्रोफाइल पे इंगेजर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, हमने दोनों व्हाट्सएप को ही आप इसमें अटैच करना होता है, वो कोई प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है कि आप कहते हो कि मैंने मेन प्रोफाइल पे लगाई हुई है या प्रोजेक्ट 1 पे या प्रोजेक्ट 2 पे मैंने ये लगाई हुई है जो इंगेजर है, तो वो वर्किंग शायद करे ना करे, बट वो वर्किंग करते हैं क्योंकि बोट मास्टर का फीचर है, उसने वर्किंग करनी है। यहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट्स पे जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इन अकाउंट्स को पहले डिलीट कर देती हूँ जो पहले से मेरे रेडी है, तो ऐड टू अकाउंट पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है तो वो मुझसे फिर से नेम पूछेगा कि किस व्हाट्सएप के नेम से आप इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। अब देखिए मेरा पहला मेन था तो मैं यहाँ पे मेन लिख देती हूँ, मेन प्रोजेक्ट है, इसे ओके करूँगी तो वो एक प्रोफाइल का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा कि इसको भी अगेन उसी स्कैनिंग के थ्रू मैंने यहाँ पे लॉगिन करना है। अब मेरी 2 व्हाट्सएप है तो मैं क्या करूँगी, ऐड अकाउंट पे अगेन क्लिक करूँगी तो उस पर क्या लिख दूंगी, प्रोजेक्ट 1 और यहाँ पे ओके कर दूंगी। यहाँ पे बेसिक बात क्या है कि जो व्हाट्सएप आपने बैक वाली दोनों प्रोफाइल्स में ऐड की हुई है वही दोनों यहाँ पे आपने लॉगिन करनी है, क्यों कि ये बैक वाली जो प्रोफाइल है वो और इन दोनों के दरमियान आपस में चैटिंग हो, और व्हाट्सएप जब उन दोनों के दरमियान चैटिंग हो जाएगी, होती रहेगी, तो व्हाट्सएप ये चीज़ लोकेट होगी कि ये दोनों व्हाट्सएप आपस में चैटिंग कर रही हैं, बट व्हाट्सएप के वो चैटिंग के मिड में हमने ऑल ओवर बहुत ज़्यादा लोगों को मैसेजेस सेंड करें तो वो ये चीज़ ग्रैब नहीं होती भी कि चैटिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पे जो मैसेजेस हैं वो सेंड ही जस्ट हो रहे हैं, रिसीव नहीं हो रहे, तो ये सेंडिंग और रिसीविंग का वर्क ये अकाउंटिंग एजेंट करता है। तो यहाँ पे मैंने अगेन वही प्रोसेस के साथ इन दोनों को जैसे ही मैं स्कैन कर लूँगी तो यहाँ पे स्कैनिंग का ऑप्शन होकर वो मेरे यहाँ पे अटैच हो जाएंगी व्हाट्सएप।
ये मेरे व्हाट्सएप के अकाउंट से अटैच हो गए। तो नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास इंगेजमेंट व्हाट्सएप अकाउंट और मैसेजेस के ऑप्शन में जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो जो मैसेज, अब आप कहते हो कि फर्स्ट मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम और मेरा जो सेकंड वाला जो कैंपेन पार्टनर है वो वालेकुम अस्सलाम करे, तो यहाँ पे वो कंप्लीट चैट में पेस्ट कर दूँगी। और यहाँ पे इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो जो मेरे पास ऑलरेडी हमने फाइल रेडी की हुई है टाइप करके मैसेज हमारे पास अवेलेबल है, हम उनको क्या करेंगे यहाँ पे ओपन करके ऐड कर देंगे। तो ये कंप्लीट मेरे पास फाइल है। अब देखें फर्स्ट वाली लाइन पे जो मैसेज उसने टाइप किया हुआ है, ओ हाय सिमरीन लॉन्ग टाइम नो सी, कि ये फर्स्ट वाली व्हाट्सअप सेकंड वाली व्हाट्सअप को मैसेज करेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है हाय वीरा, ये उसको रिस्पांस में ये मैसेज आएगा। तो ये सारे के सारे जो भी चैट है, ये जितने भी चैट है आपका, अगर फॉर एग्जांपल 2000 नंबर की कंपेन है तो आप कहते हैं साथ साथ ये भी वर्किंग करे, हमारा एंगेजर चलता रहे, व्हाट्सअप कोई चीज लोकेट ना हो, तो ये सारी की सारी चैट यहाँ पे हमारे उसने पेस्ट कर दी हुई है, वो खुद ब खुद ही ये चैट कर लेगा। तो जितनी देर तक हमारा बूट मास्टर पे मार्केटिंग हो, ये एंगेजर भी चलता रहेगा, व्हाट्सएप के मैसेजेस आपस में रिसीव और सेंड होते रहेंगे, तो व्हाट्सएप हमारी सेव रहेगी, उसके ब्लॉक होने का कोई इशू नहीं क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसकी सारी की सारी टाइमर सेट किए हुए हैं, डीप उसकी सेटिंग की हुई है, हमने उसको ऑटो रिप्लाई का सिस्टम अटैच किया हुआ है, हमने उसके एंगेजर लगाया हुआ है, तो वो वर्किंग कर रहा है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट इंगेजमेंट पे जाऊंगी और यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगी, और जैसे ही वो व्हाट्सएप के कॉन्टेक्ट भी यहाँ पे अटैच होंगे तो यहाँ पे फिर डेट मेंशन होगी और जिस नंबर से जिस नंबर को मैसेज गया, अगर फॉर एग्जांपल मेरा जो मेन वाली फाइल से मैसेज प्रोजेक्ट वन से जाता है तो वो यहाँ पे नंबर पेस्ट हो जाएगा, मेन वाला यहाँ पे, प्रोजेक्ट वन वाला यहाँ पे, और जो मैसेज सेंड हुआ वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो वो कंप्लीट चैट यहाँ पे ऐड होके तो वो वर्किंग करेगी कि पहला मैसेज दूसरे को, दूसरा से पहले को, तो वो सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे पेस्ट होके कंप्लीट डिटेल्स भी हमें प्रोवाइड कर दी जाएगी कि ये मैसेज यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक एंड हुआ। बट इस वर्क में भी हमने क्या करना है कि टाइमर सेट करना है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है बेसिकली जो व्हाट्सएप है वो चैटिंग के लिए यूज होती है, वो ऐप हमारी जो सोशल मीडिया ऐप है उस पर हम और वर्क करेंगे तो वो व्हाट्सएप खुद इस चीज़ को लोकेट करते हुए हमें ब्लॉक कर सकती है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसमें भी टाइमर सेट करना है कि एक मैसेज और दूसरे मैसेज के मिड में कितने सेकंड्स का डिफरेंस हो। इसमें बेसिकली वो चैटिंग ही होनी है कि पहला मैसेज और दूसरा मैसेज में 1 से 3 सेकंड का वो डिफरेंस होता है तो वो एंगेजर वर्क करता है। अगर आप कहते हो कि यहाँ पे हम 10 सेकंड रख लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि ये वर्किंग, अब पहला मैसेज टाइप होके सेंड होने में इतना तो टाइम लग ही जाता है, सबको मोस्टली पता है कि इतना टाइम लगता है, तो हम जब उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमें कोई इश्यू नहीं होता क्रिएट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इतना करके जैसे ही हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा इंगेजर स्टार्ट होके वर्किंग करना शुरू कर देगा, तो वो पहला मैसेज दूसरे को तो वो भी यहाँ पे साइड लिस्ट की हमें शो ऑफ हो जाएगी। जिस तरह से जब हम इसे मिनिमाइज कर देंगे यहाँ पे, जैसे हम सेंड नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ब्लाइंड मोड के बाद जैसे ही हमारा डैशबोर्ड होता है, ये भी हमारा इंगेजर का भी डैशबोर्ड हमें ऐसे ही शो ऑफ होता है जो हमारा वर्किंग कर रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इंगेजर को साइड पर रख देना, जो हमारी कंपेन वाला पेज है वो यहाँ पे रेडी करके तो वो हम अपने डैशबोर्ड पे सेटिंग कर लेंगे, उन सब प्रोफाइल्स को यहाँ पे ओपन कर लेंगे कि वो वर्किंग कर रहे हैं, किन नंबर्स पे मैसेज सेंड हो रहे हैं, किन नंबर्स पे सेंड नहीं हो रहे। तो यहाँ तक था प्रॉपर कि किस तरह से हम एक टाइम में अलग अलग जो मैसेजेस हैं उनके थ्रू भी अलग अलग मैसेजेस को भी हम एक टाइम पे, अगर फॉर एग्जांपल अलग अलग प्रोफाइल्स के थ्रू भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, उसमें हमने अलग अलग नंबर पेस्ट करना है। और ये बात आपने लाजिम याद रखनी है कि जब हमारी मेन वाली जो प्रोफाइल है उस पे जो हमने ऐड किया हुआ है, अब देखिए ये हमारी मेन वाली प्रोफाइल है, इसमें जो हमने ऐड किया हुआ है नंबर, वो दूसरी ही प्रोफाइल में हमने उसे लॉगिन नहीं करना। अगर आप उसे लॉगिन करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप को खतरा होगा। तो आपने एक टाइम पे एक जो हमारा बूट मास्टर है उसमें सिर्फ एक ही ऐड करना है, कोई और ऐड नहीं करना है यहाँ पे। तो मेरा जो मेन वाली प्रोफाइल है उसमें जो व्हाट्सएप है वो मैंने बैक वाली प्रोफाइल पे नहीं करनी, जस्ट इंगेजर में उसे हमने दोनों व्हाट्सएप को अटैच करना है। तो इसके अलावा हम बटन में न्यू नंबर ऐड कर देते हैं कि हमारे इस पर कॉल जनरेट हो, तो ये सारा प्रोसेस यहीं तक हमारा क्लियर होता है। वो फिर ऑर्गेनाइज्ड हमारी कंपेन होती है, कंपेन जैसे ही कंप्लीट होती है तो हमें मैसेज खुद ब खुद ही सेंड हो जाता है कंपेन हैज़ डन, और हमारे व्हाट्सएप पे अनलिमिटेड नंबर्स जो हैं वो पेस्ट हो जाते हैं, जिनके रिप्लाई आए होते हैं हम उनको रिप्लाई कर देते हैं, अदरवाइज हम वैसे ही वर्किंग कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई भी फीचर समझ नहीं आया कि किस तरह से बूट मास्टर वर्क करता है, कंप्लीट आप पूछ सकते हैं।